गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल एलवी सिस्टर। सो गाइज़ आज मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ RF स्किन केयर ऑस्ट्रेलिया एम्ब्रेस योर सेल्फ की तरफ से ये एक्सफोलिएटिंग फेशियल सीरम है जो कि ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। प्लस इट इज़ सल्फेट फ्री, नॉन टॉक्सिक, सिलिकन फ्री, पैराबिन फ्री एंड क्रुएल्टी फ्री। इसको यूज़ करना भी बहुत आसान है। गाइज़ ये बहुत अच्छी पैकेजिंग में आता है और जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो फ्रेंड्स, हम लोग इसे कैसे अप्लाई करेंगे मैं अभी आपको वो बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो आपका फेस बिल्कुल बेयर होना चाहिए, मतलब फेस वॉश करके आएंगे और उसके बाद कुछ भी नहीं लगाएंगे। सर, जब सीरम, कोई भी सीरम अगर आप यूज़ करते हैं तो वो बेयर फेस पे ही लगाया करिए मॉइस्चराइज़र से पहले, उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाया करिए। तो सबसे पहले तो हमने फ़ेस वॉश किया, मैंने अभी फ़ेस वॉश करके आई हूँ, उसके बाद मैं ये सीरम अप्लाई करूँगी। सिर्फ सीरम 2-3 पंप लूँगी बस। आप डायरेक्टली फेस पे भी पंप कर सकते हो, मैंने हैंड पे किया है एंड बस इसे इस तरह से लगा लेंगे फेस पे और नेक। अगर आपके एक्ने की प्रॉब्लम है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके इवन स्किन टोन नहीं, कहीं पे डार्क है कहीं पे गोरा है, वो भी सही कर देता है। प्लस इसके की इंग्रेडिएंट्स हैं हाइलुरोनिक एसिड जो कि आपके स्किन को हाइड्रेट रखेगा, AHA एंड जो कि आपके एक्ने वगैरह को हटाएगा, स्मूदर कॉम्प्लेक्शन देगा और बहुत सारे हेल्पफुल चीज़ें करेगा। सो गाइज़ अगर आपको इसको ख़रीदना है तो जाकर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। थोड़ा सा महंगा है बट आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा फर्स्ट परचेज पे। सो डू चेक इट आउट, आई होप आपको ये पसंद आएगा क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, प्लस इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो आज मैं बना रही हूँ मसाला भिंडी। फर्स्ट टाइम ये रेसिपी ट्राई कर रही थी एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये इतनी बेकार बनी है कि मैं क्या बताऊँ। मैंने ये शॉर्ट्स बनाया था बट इसी में मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आजकल मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊँ या लॉन्ग वीडियो बनाऊँ, क्योंकि लॉन्ग वीडियो आजकल लोग ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे, सब शॉर्ट्स पसंद कर रहे थे। तो मैंने आज शॉर्ट बनाना स्टार्ट करा भिंडी से, सुबह सुबह नाश्ते से। फिर उसके बाद मुझे लगा नहीं यार, आज मिलादुन्नबी है, मुझे पूरा लॉन्ग वीडियो बनाना। उस चक्कर में कुछ भी नहीं बन पाया। तो जो भी क्लिप्स बची हुई हैं वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ और आप लोग इन्जॉय करिएगा पूरे व्लॉग को। और आई नो आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आई लव यू ऑल। तो चलिए चलते हैं और इस भिंडी के बारे में बात करें। तो हाँ, ये भिंडी बहुत ही बेकार बनी। मैंने इसका नेट पे ही रेसिपी देखी थी, मुझे लग रहा है कि बेसन बहुत ज़्यादा हो गया था, 2 चम्मच बेसन डालना था, मैंने पूरी आधी कटोरी डाल दी। रोस्ट करके ही डाला है मैंने बेसन, कोई कच्चा नहीं डाल दिया है। बट देन ऑल्सो शायद ये बेसन की वजह से बेकार हो गई है। एक बार और ट्राई करूँगी कम बेसन में, तब आप लोग को बताऊँगी। अगर अच्छी बनी तो ही मैं आप लोगों से रेसिपी शेयर करूँ। भिंडी तो ख़राब हो ही गई थी, फिर नाश्ते में मैंने थोड़ी सी तुरई रखी थी तो तुरई बना ली थी। फिर हम लोगों ने थोड़े से एग्स और एप्पल वगैरह खाया नाश्ते में। फिर मेरे ये जो भगोने हैं जो मैं जहेज़ में लेके आई थी, ये बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे घर बनने के चक्कर में। तो मैंने रुचि से कहा कि इसको धो दो और इसको ऊपर जो रूम बन चुका है वहाँ पर इसको रखवा दिया है। और गाइस इसको हेल्प करी, सतीश भैया ने भी हेल्प करी धुलवाने में। एंड देन मैंने बिरयानी की यखनी तैयार कर ली है। आज मम्मी पापा वगैरह भी आने वाले हैं तो बिरयानी बन रही है और रुचि के साथ मस्ती हो रही है। रुचि बहुत ज़्यादा अच्छी है, मेरी बहुत हेल्प करती है काम में, चाहे कोई भी काम हो चाहे कोई भी फेस्टिवल पड़ जाता है, ये बच्चियाँ बहुत प्यारी हैं, मेरी बहुत हेल्प करती हैं। एंड फाइनली बिरयानी इज़ रेडी। सो गाइज़ आज मैंने बिल्कुल अलग तरीके से बिरयानी बनाई थी, मतलब इसका रेसिपी थोड़ा अलग है, तरीका थोड़ा अलग है, रेसिपी नहीं कहेंगे। और आप लोगों से मैं शेयर करूँगी, एक्चुअल में मैं आज ही शेयर करती बट रेसिपी बनाने के चक्कर में, वीडियो बनाने के चक्कर में और ज़्यादा देर हो जाती, इसीलिए मैंने नहीं बनाई। और आप लोगों से किसी दिन आम दिनों में मैं इसकी शेयर करूँगी बिरयानी की रेसिपी, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी बनी थी वाकई। तो मैंने
शाहनवाज़ से कहा कि जैसे कि मैं आपका वीडियो बनाती हूँ, आपसे क्वेश्चंस वगैरह पूछती हूँ और आपसे छेड़ छेड़ के बातें करती हूँ, आपकी वीडियो बनाती हूँ, तो अब आप कैमरा पकड़ेंगे और आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे, तो अब देखिए ये कैसे बोर कर रहे हैं और ये मुझसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोग खुद देखिएगा। मतलब क्या बोलूँ मैं, अपना सर नोच लूँ मैं अपना जी। अरे कम से कम रन देने का प्रयास बिरयानी बनाएंगे और क्या करेंगे ज्यादा इस्तेमाल। शिरमाल तो नहीं लाया हूं महाराज के खिलाफ, बस मेन शिरमाल है। माशाल्लाह बहुत प्यारी बिरयानी आपने बनाई है। मैच तो बंद कर दीजिए, फिर आप एक्टिंग। आई एम सॉरी जो आप कर रहे हैं, पहले मैच तो बंद कर दीजिए। ओके बहरहाल बिरयानी माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। और आप बताइए अब ना तैयार होके क्यों बैठे हैं? आज मिलादुन्नबी है इसलिए। अच्छा, तो हमको कपड़े अच्छे नहीं निकाले आपने? आप भी तो अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं जी, थैंक यू माशाल्लाह। आज जिम नहीं जाएंगे आप? आज हंस क्यों रही हैं आप, पहले ये बताइए। आज संडे है ना? नहीं नहीं, आप हंसना चाह रही थी लेकिन आप पूरी हंसी रोक के आपने जो है। आज संडे है ना? संडे, ओ हम भूल गए थे सॉरी। एनीथिंग एल्स? पैर दबाइए मेरे। क्या हो गया, कैसा मुंह बना रही है? कुछ और बात करिए, कुछ और बात छेड़िए। पहले दबाइए तो, फिर तो छेड़े हम आपको। और संपुत खेलोगी? संपुत आप खेलिए, हम हेड एंड टेल खेलते हैं। अच्छा, हेड एंड टेल, हेड या टेल खेलती हैं? हेड एंड टेल। आप संपुत खेलिए। संपुत आओ, 7 times खेला जाए जी। सिविल आप मुझसे, मैं आपसे इस तरह से बात करती हूँ? मैं भी तो आपसे कैमरा लेके आपसे अच्छी अच्छी बातें करती हूँ, आपके आपसे प्लस टाइम और पता नहीं क्या क्या पूछूं। तो भाई लड़कियों पास लड़कियों वाली बातें, लड़कों में गेम्स होते हैं, लड़कों के पास गेम्स होते हैं। क्रिकेट होता हो तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलने, तो मैं यॉर्कर इंट्रोडक्शन अगर आप बहुत बढ़ रहा है भैया, ये देखिए कौन आ गया है, इनका नाम है जोया अली। शहनाज़ भाई को पहली बार देख रहे हैं लोग। ये देखिए जोया अली आ गई है। ओह माय गॉड, ये काम दिख रही है, काम नहीं है, ये काम है नहीं, इमेज है। अच्छा ठीक है, थैंक यू क्यू। हाउ्स आई एम लुकिंग? तो गाड़ी खड़ी करा देंगे। पापा तो खड़ी कर रहे हैं गाड़ी। टाइम बाद मैं आप लोग के सामने आई हूँ कैमरे के। अक्सर फिर शाहनवाज ने शहाबुद्दीन की स्टोरी लगा दी थी Z5 पर। ये सीरीज़ है गाइस, प्लीज़ देखिएगा, बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। शहाबुद्दीन को जो लोग जानते होंगे बिहार के हैं, वो लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। सो उसके बाद मम्मी लोग चली गई थी, और आपको पता है मैंने बिरयानी नहीं खाई थी, तो मैं क्लासिक गई थी, शाहनवाज ने टिक्की खाई थी और मैंने डोसा खाया था, क्योंकि मैंने बिरयानी नहीं खाई थी। मेरा जब मतलब मुझे ऐसा, जब मैं कभी कुछ बनाती हूँ ना तो मेरा दिल नहीं लगता है खाने में, मतलब पता नहीं क्यों ऐसा है, हमेशा से ही है, जब से मैं यहाँ आई हूँ, क्योंकि घर पर तो मैंने कभी कुछ बनाया ही नहीं था, तो जब से मैं यहाँ आई हूँ ना तो मुझे जब मैं बनाती हूँ तो मैं कुछ खाती नहीं हूँ, मेरा दिल भर जाता है। तो मैंने खाया है डोसा, क्लासिक का डोसा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप लखनऊ में रहते हैं तो क्लासिक या मोती महल का डोसा खाइएगा, आपको मज़ा ना आए तो पैसा वापस है और मेरा नाम भी बदल दीजिएगा, ठीक है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ अलवी सिस्टर। लव यू ऑल, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।